हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रियश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रेटिने ए के ऊपर। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर वीडियो कमेंट करते रहते हैं कि क्या आप अभी भी रेटिने यूज़ कर रही हैं, अगर आप यूज़ कर रही हैं तो कैसे यूज़ कर रही है। इट्स बिन 2 ईयर्स कि मैं रेटिने यूज़ कर रही हूँ एंड 2 साल से लगातार मैं रेटिने यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लाइक ऑल्टरनेट डे यूज़ करती हूँ, समटाइम वीक में 1 टाइम यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं रेटिने यूज़ कर रही हूँ। एंड ऑल्सो दिस इज़ अपडेटेड वर्जन कि मैंने रेटिने कौन सा स्टार्ट किया है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ऑल्सो बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आप नोटिफाई रहें इस तरह की वीडियो के लिए एंड स्किन केयर के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट्स बिन 2 ईयर्स कि मैंने आप लोग साथ शेयर किया था कि मैं रेटिने यूज़ कर रही हूँ। एंड ऑन दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं रेटिने 0.5% यूज़ कर रही हूँ। या इट्स 0.05% आई गेस, यस 0.05% यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड वो जो रेटिने है उसका पूरा वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा, आई थिंक 2 या 3 वीडियो आप लोगों को मिलेगी एंड वो वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेटिने ए जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है एंड इट्स लाइक अ एंटी एजिंग प्रोसेस जो है। आपके स्किन के ऊपर जितने भी रिंकल्स फाइन लाइंस होती है उसको वो डिमिनिश करने के लिए माना जाता है। एंड दिस इज अ ओनली 1 इंग्रेडिएंट जो कि टेस्टेड है कि जो एंटी एजिंग फैक्टर्स के लिए काम आता है। अगर रेटिने अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके अगर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आपको डॉक्टर जो है रेटिने रेकमेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको ओवर द काउंटर भी परचेज करते हैं तब भी आपको ये मिल जाता है। बट रिसेंटली जो मैंने रेटिने स्विच किया है दैट इज़ 0.1%। इट्स बीन अ 2 ईयर कि मैं वो जो है 0.05% वाला यूज़ कर रही थी, बट मैंने ये जो है स्विच किया इट्स लाइक 3 महीने पहले एंड मैं ऑलरेडी इसकी जो ट्यूब वो फिनिश कर चुकी हूँ। कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई थिंक वो सेपरेट वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ रेटिनॉल जेल बेसिकली जो 0.05% आता है एंड 0.025% आता है। वो जो आता है वो क्रीम फॉर्म में आता है बट दिस इज़ फ्रॉम जेल फॉर्म के अंदर ही आता है। एंड इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 151 रुपीज़ एंड ये आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा, बट ये बहुत ही हाई डोसेज है ऐसा कहते हैं। बट मैंने क्या देखा है कि दिस वन एंड 0.05% दोनों ही सेम है। अगर आप 0.05% यूज़ कर रहे हो तो आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि काम दोनों का बेसिकली सिमिलर सा ही है। ऐसा नहीं है कि 0.1% जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिमिलर ही है। हल्की फुल्की पीलिंग आपको होगी, बहुत हल्की माइल्ड पीलिंग आपको होती है। ऑल्सो जो है अगर आपका पर्जिंग फेस चला गया है, जब भी आप रेटिने स्टार्टिंग में यूज़ करते हो तो आपका पूरा फेस पिंपल से भर जाता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपके सरफेस के बनीथ कितने पिंपल्स हैं, कितने आपके जो हैं छोटे छोटे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स हैं, कितने हैं आपके इस स्किन के नीचे, तो उस हिसाब से आपकी पर्जिंग होती है। एंड पर्जिंग बहुत ही भयानक भी हो सकती है, तो भी आपको छोड़ना नहीं, आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहिए। 6-7 महीने आपको लग जाएंगे इसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली देखने के लिए एंड देन पर्जिंग खत्म होगी एंड देन जाके आपकी स्किन जो है साफ होगी। मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं मैं वो आपको शेयर करने वाली हूँ। 0.1% के साथ मुझे एक्स्ट्रा कोई पर्जिंग देखने को नहीं मिली जब मैंने इसके ऊपर स्विच किया, तो मेरी स्किन एज इट इज स्मूथ फाइन थी। मेरे जो अंडर आई के नीचे जो हल्के फुल्के स्माइल लाइन्स हो जाती है ना, बहुत हंसते हो तो यहाँ पर क्रॉस फिट बनते हैं, वो मेरे काफ़ी हद तक चले गए हैं। एंड ये वाली लाइन, हालांकि मेरी एज भी इतनी नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, ओवरऑल ग्लो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बट इसका भी तरीका होता है लगाने का, मुझे पता है तरीका बिल्कुल गलत आप लोगों को पता होता है। अगर आपने प्रिस्क्राइब करवाया तब तो ठीक है, अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो आप रून कर लोगे अपनी स्किन को, ख़राब कर लोगे। तो वो तरीका जानने के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं जो है कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी उसके लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस क्या रहा है रेटिने के बारे में, मैंने जब इसको 0.1% में स्विच किया है तो दी बेस्ट है, मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, अल्टरनेट डे इसको यूज़ कर रही हूँ एंड रिजल्ट्स कमाल के हैं। आई थिंक मैं इसको अपने आगे की लाइफ में भी यूज़ करूँगी बेसिकली। ऑल्सो मुझे किसी तरह की रेडनेस वगैरह देखने को नहीं मिली है क्योंकि मैं डेली सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, सनस्क्रीन मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ एंड डायरेक्टली मैं धूप में भी बहुत ज़्यादा कम निकलती हूँ। तो मेरे लिए ओवरऑल जो रेटिने है वो बेस्ट रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो है
स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं रेटिना एंड घबरा वबरा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं कि क्या चीजें रहेंगी रेटिना के बारे में, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं उसका कमेंट भी जरूर करूंगी। आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप रेटिना यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो दैट इज वाई कि मैं बता दूं आपको, यस गाइज मैं रेटिना यूज कर रही हूँ बट ऑल्टरनेट डे। तो चलिए यही था वीडियो, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने जस्ट आपको बता दिया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, पिंक फॉरेस्ट विला से ही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय। एंड इसके लिंक्स अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर मुझे इसके लिंक मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।